हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जब से इग्नू ने रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट को एक्सटेंड किया है, तब से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे हैं कि सर, मेरा जो रिज़ल्ट है उसमें मेरा 4 मार्क्स से बैक लगा है, तो क्या मैं रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे? तो मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो इसी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारा रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो डैट इग्नू के रिगार्डिंग आपको कोई भी न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट इसी चैनल पर मिलेगी, क्योंकि इग्नू के जितने भी रीजनल सेंटर है वो अभी बंद है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इग्नू के रिगार्डिंग। और ये हमारा एके अपडेट नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने अपना इनोमेट नंबर मुझे प्रोवाइड कराया, तो मैं उनका आपको एग्जाम्पल शो करूँगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल रिजल्ट पर, जून 2020 वाला, ठीक है? तो हम रिजल्ट के पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे जो टर्म एंड का होता है, जो नॉर्मल रिजल्ट होता है, हम उस पोर्टल पे जाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया टर्म एंड, प्रीवियस ईयर के लिंक आ गए, तो आपको जाना पड़ेगा जून 2020 एग्ज़ाम रिजल्ट। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जून 2020 एग्ज़ाम रिजल्ट का पोर्टल आ गया। मैं यहाँ पर उनका इनोमेट नंबर टाइप कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर उनका इनोमेट नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं। मैं आपको लाइव एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेकर आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए ये इनका नॉर्मल रिजल्ट है जून 2020 वाला, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपको फोकस करना है जो मिडिल में रिजल्ट है, BCS 054, 100 मार्क्स का पेपर है और इनके मार्क्स आए 80, जबकि पासिंग मार्क्स होता है 40। तो इनको डाउट हुआ तो इन्होंने अपने फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई किया था, और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इनके पास आया तो इसमें इन्होंने देखा कि इनके 2-4 क्वेश्चन चेक ही नहीं हुए और बहुत सारे के मार्क्स ऐड भी नहीं हुए थे। तो इन्होंने जब रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया तो जानते हैं इनके कितने मार्क्स बढ़ गए? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए जब इन्होंने रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया तो इनके मार्क्स कितने इंक्रीज़ हो गए? तो उसके लिए हमें रीएवोल्यूशन के पोर्टल पर जाना होगा। देखिए यहाँ पर रीएवोल्यूशन पोर्टल है, जैसे मैं इस पोर्टल पर जाऊँगा तो रीएवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट ओपन होकर आ जाएंगे। तो हमको जाना पड़ेगा रीएवोल्यूशन जून 2020। तो जैसे ही मैं इस पोर्टल पर जाऊँगा और यहाँ पर इनका इनोमेट नंबर टाइप करूँगा, तो इसके बाद इनका जो रीएवोल्यूशन का रिजल्ट था वो ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं इनका इनोमेट नंबर टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पे इनका इनोमेट नंबर टाइप किया और देखिए यहाँ पर इनका रीएवोल्यूशन रिजल्ट जून 2020 का रीएवोल्यूशन रिजल्ट ओपन होकर आ गया। तो देखिए इनका कितना मार्क्स है, 100 मार्क्स का था और 55 आ गया, मतलब इनका 18 मार्क्स से 55 हो गया, मतलब इनका मार्क्स 3 गुना बढ़ गया। तो देखिए कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इग्नू में मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है, इग्नू सिर्फ पैसा लेता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए रीएवोल्यूशन के लिए, और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कीजिए। आप ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज भी हो गए हैं, ठीक है? उनके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं थे तो उनके मार्क्स डिक्रीज भी कर दिए हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया और आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए, तो आपने जो रीएवोल्यूशन से पहले जो आपके मार्क्स आए थे और जो रीएवोल्यूशन के बाद जो मार्क्स आए, उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वही अपडेट होगा। तो आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिए अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है? मेरे पास तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जिसमें मार्क्स बढ़े भी है, घटे भी है, और मार्क्स एज इट इज़ भी रह गए। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लाइव दिखा दिया कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जो रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।